अरे नमस्कार दोस्तों, कहीं आप लोगों ने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्ज़ाम तो नहीं दे दिया? और एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन भी बढ़िया हो सकता है, तो और अब आप सोच रहे हैं क्या इंटरव्यू मैटर करता है, क्योंकि शायद आपने सर्कुलर भी पढ़ा होगा और सर्कुलर पढ़ के भी आपने देखा होगा कि इंटरव्यू की वेटेज केवल 15% है। तो क्या वो मैटर करता है? ऐसा हो सकता है कि आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप देख लीजिए ऐसा इसका लोगो है, और आप सोच रहे हैं और आपका अभी एक ड्रीम है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर भी किसी दिन जॉब करें, और आपके दिमाग में सवाल आ रहा है क्या इंटरव्यू मैटर करता है। तो ऐसे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे फोकस करना चाहिए अगर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, कट ऑफ की अगर बॉर्डर लाइन पे मैं हूँ तो क्या मुझे फोकस करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं कट ऑफ की लाइन से तो बहुत आगे हूँ तो भी क्या मुझे फोकस करना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि या तो बॉर्डर लाइन पे हैं या तो बहुत आगे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है, क्योंकि जो लोग कट ऑफ से नीचे हैं वो तो प्रिपेयर थोड़ी करेंगे और जो एवरेज बच्चे हैं वो तो प्रिपेयर करेंगे ही। यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो या तो बॉर्डर पर हैं या बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, और दिमाग में सवाल आता है कि क्या इंटरव्यू मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे वो बच्चा बॉर्डर लाइन पे है वो सोचता है कि 15% ही तो वेटेज है, तो 15% में क्या उखाड़ लेंगे, और जो आगे होते हैं वो सोचते हैं 15% ही तो वेटेज है, ज़्यादा ज़्यादा क्या बिगड़ेगा, सिलेक्शन तो होना ही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या केवीएस का इंटरव्यू मैटर करता है, क्या 15% मैटर करते हैं, तो मेरा जवाब है यस, 100% मैटर करता है, सभी के लिए मैटर करता है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं और जो बहुत आगे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है उसके बारे में बताता हूँ, वाई इट हैपन्स। क्योंकि देखिए, सिंपली हाई स्कोरिंग डजेंट सिग्निफाइज द एप्टीट्यूड। अगर आपने रिटर्न में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है। कई बार ऐसा होता है कि हम ड्रिल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं, तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हम अच्छा कर देते हैं। ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा कर देते हैं, उनका एप्टीट्यूड उतना नहीं होता लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी हाई स्कोर करने वालों का एप्टीट्यूड नहीं होता, लेकिन कभी कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर देते हैं लेकिन उतना एप्टीट्यूड नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जो है इंटरव्यू में फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही पता चल जाता है इनका कि भाई ये तो बस किसी तरीके से इनके हाई नंबर आ गए हैं लेकिन एप्टीट्यूड उतना नहीं है, तो वहाँ पर बहुत कम मार्क्स दे देते हैं, तो ऐसे में वो इंटरव्यू से निकल जाते हैं। ऐसे क्या था पिछले अगर ईयर की हम देखें तो पिछले ईयर ऐसा कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, क्या पता उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, हाई स्कोर करने के बाद भी 100 कट ऑफ थी लेकिन मोर देन 110 स्कोर करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में बहुत कम 20 25 15 12 ऐसे मार्क्स मिले। दूसरा है, कई बार एग्जाम के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है बच्चों के साथ, कई बार अच्छे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है एग्जाम के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है जिस वजह से वो कम मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन कम मार्क्स स्कोर करने का मतलब ये थोड़ी कि उनमें एप्टीट्यूड नहीं है। जिसमें एप्टीट्यूड है वो तो इंटरव्यू के टाइम में अपना बेहतरीन दिखा सकता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं तो वो ये सोचने लग जाता है कि मेरे में तो उतना टैलेंट ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जब वो अपना पूरा एप्टीट्यूड दिखाता है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है, तो यहां पर क्या है कि उसको बेहतरीन मार्क्स दे दिए जाते हैं। और तीसरा क्या है कि एवरेज स्टूडेंट गेट चांस टू शो केस देयर टैलेंट, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट या फिर जो मतलब नॉर्मल अपनी खुद की पढ़ाई पर जो बिलीव करते हैं और खुद की पढ़ाई से जो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो उनको अपना टैलेंट शो केस करने का वहाँ पे एक बेहतरीन मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो अपना सही टैलेंट और अपना नेचुरल टैलेंट दिखाते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं। और ये ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सही में टैलेंटेड होते हैं उनको तो इंटरव्यूअर्स भर भर के मार्क्स देते हैं, 60 में से 58, 58, 59, 56 ऐसे मार्क्स दे देते हैं। तो अब आइए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, ये हैं लापरवाह लाल, हालांकि मैंने आपको इनसे पहले भी मिलवाया है, ये लापरवाह लाल हैं जिनके कट ऑफ मार्क्स है 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये लापरवाह लाल जैसे जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, ऐसे कैंडिडेट सोचते हैं यार 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा है और एवरेज मार्क्स तो इंटरव्यू में दे ही देंगे, तो क्या टेंशन लेनी, इतनी प्रिपेयर करने का मन भी नहीं है, इतनी टेंशन क्या ले, 15 से 20 मार्क्स तो ऐसी एक्स्ट्रा है ही, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, सिलेक्शन तो अपना डन है, ऐसा सोचते हैं लापरवाह लाल और इस करके इतना फोकस नहीं करते, और वो सोचते हैं अरे कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तो सेटिंग है, ऐसे सोचते हैं। कुछ होते हैं डरपोक लाल, ये होते हैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चे, ये हैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चे, इसमें से कुछ डरपोक लाल निकल जाते हैं। ठीक है, अब हालांकि सभी
हाई अचीवर्स जो होते हैं यहाँ पे, जो सभी हाई अचीवर्स हैं वो लापरवाह लाल नहीं होते, और सारे जो लो अचीवर्स होते हैं वो डरपोक लाल नहीं होते, ये बॉर्डर लाइन होते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन जो बच्चे हैं ये सोचते हैं, डरते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये सोचते हैं कि इंटरव्यू देने जाओ, ये बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर जैसे 100 कट ऑफ आई और 100 ही मार्क्स हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर इंटरव्यू पड़ गया 1000 किलोमीटर दूर, तो सोचते हैं यार अब टिकट के पैसे इतने लग जाएंगे, क्या इतना पैसा वेस्ट करना चाहिए, इंटरव्यू देने जाऊँ कि ना जाऊँ, और ये सोचते हैं कि जाने में कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए, लोगों से सलाह लेना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरा कट ऑफ में नाम तो आ गया है लेकिन क्या जाऊँ मैं। अब ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? तो ये है डरपोक लाल की कहानी। ठीक है, और अपने आप को ये डीमोटिवेट कर लेते हैं, तो कहीं आप डरपोक लाल तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं, ये दोनों केस में है, बहुत सिचुएशंस, चाहे ये लो अचीवर्स हो चाहे हाई अचीवर्स हो, मतलब या तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा हो या बॉर्डर लाइन पे हो, दोनों केस में सोचते हैं अरे ज्यादा है तो, अगर ज्यादा मार्क्स हैं यानी कि अगर ये हाई अचीवर्स हैं, ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि अगर ज्यादा मार्क्स आ गए हैं तो क्या हुआ, और अच्छा करेंगे और एग्जाम में टॉप करके दिखाएंगे, और अगर कम मार्क्स आते हैं तो सोचते हैं पूरी मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, नंबर कम है तो क्या हुआ, अपना तो बेस्ट देके रहेंगे, और कई बार सोचते हैं हुआ तो हुआ, क्या अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जाती। तो ये पॉजिटिव वाइब्स निकलती है समझदार लाल तरह के लोगों में से, और ऐसा हमने देखा है कि कई सारे समझदार लाल जो है वो पिछली बार एग्जाम में उन्होंने क्रैक किया है, और बहुत सारे डरपोक लाल और बहुत सारे लापरवाह लाल का सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ जो कि कट ऑफ में थे। तो अब आप समझिए कि आप कौन है, क्या आप लापरवाह लाल है या डरपोक लाल है या समझदार लाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप लापरवाह लाल हैं, समझदार लाल हैं या डरपोक लाल हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।